महाराष्ट्र में सरकार को लेके जो खींचातान चली, जो उठापटक चली, वो सब लोग आप उससे वाकिफ हो। अब उससे क्या राजनीतिक लेसन निकलते हैं और क्या नहीं निकलते हैं उसका तो मुझे पता नहीं है, बट एक बिजनेस कोच होने के नाते उससे क्या बिजनेस लेसन निकलते हैं, क्या लीडरशिप लेसन या मैनेजमेंट लेसन निकलते हैं, उस पर आज अपन जरूर डिस्कस करते हैं। क्योंकि अर्न करने के लिए पहले लर्न करना जरूरी है, और लर्निंग सिर्फ किताबों में नहीं होती, लर्निंग सिर्फ सेमिनार में नहीं होती, लर्निंग हर जगह होती है जहां से आपको मिल जाए। तो आज की डेट में ये जो एपिसोड था, देश का एकदम सियासी घटनाक्रम था, सबकी नजरें उस पे थी, तो देखते हैं कि उससे हम क्या सीख सकते हैं और हमारे बिजनेस में और जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ट्रू लीडर और एक ट्रू बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्योंकि ये चैनल है इंफोटेनमेंट का, यहाँ इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी और एंटरटेनमेंट भी दिया जाएगा। तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत। बिजनेस एंड लीडरशिप लर्निंग नंबर वन, जो भी टॉप बॉस है उसको हमेशा अपनी टीम के लिए अवेलेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाले घटनाक्रम में हमने देखा कि एकनाथ शिंदे जी अपने विधायकों को लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा भैया हम इसलिए नाराज हैं क्योंकि जो उद्धव ठाकरे जी हैं ये हमसे मिलते नहीं है, हमको भाव नहीं देते और हमसे इनका कम्युनिकेशन ही बंद है भैया, इनको पता ही नहीं हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, हमारी परेशानियां कोई सॉल्व ही नहीं कर रहे। और एग्जैक्टली यही चीज पॉलिटिकल चीजों को साइड हटाइए, बिजनेस में भी अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके पास 10 एम्प्लॉई, 20 एम्प्लॉई, 50 या उससे भी ज्यादा एम्प्लॉई हैं, या आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं, कोई भी आपका संगठन है, वहां पे आपके नीचे अगर कुछ लोग हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया आप उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखें, उनसे रेगुलर बेसिस पे फोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से चर्चा करते रहे। पता चलना नहीं चाहिए कि आपकी टीम में कौन खुश है, कौन दुखी है, किस बात को लेकर एक्साइटमेंट है, किस बात को लेकर नाराजगी है। अगर ये सारी बातें आपको पता रहेगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस टीम को लीड कर पाएंगे, और ये आपने नहीं किया तो हालत भैया उद्धव जी वाली हो सकती है। तो इसलिए अपनी टीम पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए उनसे संवाद बनाए रखें। बिजनेस लर्निंग नंबर टू, कभी भी ऐसा टाइप, ऐसी पार्टनरशिप मत करो जो आपके बेसिक प्रिंसिपल के विरुद्ध हो। मीडिया में, राजनीतिक हलकों में ये बार बार चर्चा थी कि भैया ये जो MVA वाला अलायंस है, मां गाड़ी सरकार है, ये आज नहीं तो कल टूटेगी। क्यों? क्योंकि शिवसेना की आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है, कांग्रेस की डिफरेंट है, तो ये शॉर्ट टर्म में इन्होंने फायदे के लिए जोड़ लिया पर लॉन्ग टर्म में इसका भविष्य नहीं है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे और अंत में आखिर हुआ भी वही। तो आपको बिजनेस में इसको कैसे काम में लेना है? जैसे सपोज आपने कहा कि भैया मेरे साथ, आपका नेचर इस प्रकार का है कि आप सोचते हैं कि यार कस्टमर का भला होना चाहिए, कस्टमर से अनावश्यक पैसे में चार्ज नहीं करूंगा, कस्टमर को बिना बात परेशान नहीं करूंगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जेब से भी पैसा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बस कस्टमर खुश रहना चाहिए, ये आपकी फिलॉसफी है। पर आपने किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से पार्टनरशिप कर लिया, ऐसे व्यक्ति को पार्टनर कर लिया जो कहता है कि अरे भाई कोई फर्क क्या फर्क पड़ता है, एम्प्लॉई को चूस लो, कम से कम पैसे दो, ज्यादा से ज्यादा काम लो, आप कस्टमर को चूस लो, कस्टमर की भाई साहब अपन तो बेस्ट चीज देने की जरूरत क्या है, जो काम सस्ते में होता है वो कर दो, थोड़ी मिलावट कर दो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी शिकायत कस्टमर कर रहा कर ले दो। अब आप दो पार्टनर हैं, एक कस्टमर वाली एंगल को लेके आपका विचार कुछ और है, पार्टनर का विचार कुछ और है, ये पार्टनरशिप भैया आगे जाके नहीं चलेगी। आप सोचते हो एम्प्लॉई मेरे परिवार का सदस्य है, इनसे प्यार से बात करनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, आपका पार्टनर कहता है कुछ नहीं काम करने वाले हैं, कम से कम पैसे में ज्यादा ज्यादा काम कराओ, और नहीं करे तो डांटो, और ज्यादा नाटक करे तो भगाओ दूसरा आएगा, तो ऐसी पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं चलेगी। तो पार्टनरशिप करते टाइम आपके जो भी कॉमन विचार हैं वो आपने पार्टनर से मेल हो तो करना है, नहीं तो नहीं करना। बिजनेस लर्निंग नंबर 3, बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीखो। जब पिछली बार 2.5 साल पहले जब नई नई सरकार बनी थी तब शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी अड़ गए थे, यार मुझे सीएम का पद दे दो, भाजपा बोले भैया हम तो नहीं देंगे, सीएम तो हम ही बनेंगे। इस जिद्दी का असर क्या हुआ, उन्होंने एक अननेचुरल अलायंस कर लिया, 2.5 साल सरकार चला ली और बीजेपी को सरकार से बाहर होना पड़ा। तब की बार भाजपा ने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, डिप्टी सीएम रह लेंगे, तुम बन जाओ सीएम, सरकार तो आए कम से कम। तो जब भी आपको लगता है कि कोई आपके फायदे की चीज हो रही है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, थोड़ा कदम पीछे हटाना पड़ रहा है, हटा लीजिए। बिजनेस लर्निंग नंबर 4, नेवर इग्नोर द एक्सपीरियंस्ड एंड लॉयल पर्सन। ये क्या हुआ सर, शिंदे जी जब अलग हुए तो उन्होंने कहा कि भैया देखो हमको तो पार्टी में तवज्जो देते नहीं है, उद्धव ठाकरे जी अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं तुम नेपोटिज्म पे ध्यान दे रहे हो भैया, टैलेंट की तो कदर ही नहीं कर रहे, हमने 30 साल से शिवसेना में काम नहीं किया क्या। ऐसा आपके बिजनेस में भी आपके साथ हो सकता है, आपके बिजनेस में कोई ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति है, जब आपका बिजनेस बहुत छोटा था तब आपके साथ था, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ गया, बहुत बड़ा फैल गया और उसने भी आपके साथ ग्रोथ किया और वो भी आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ सोचता है, और 20 साल बाद आप कहते हो नहीं मेरा बेटा आ रहा है,
वो गद्दी संभालेगा और सारा काम करेगा। आपके बेटे को गद्दी देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका मान सम्मान बरकरार रहना जरूरी है। तो आपने किसी पुराने व्यक्ति को 20 साल 25 साल काम लेने के बाद अगर आप बोलते हो कि भैया तेरी जरूरत नहीं है, अब तेरे को हम साइडलाइन कर देंगे, तो भैया फिर बिजनेस का नुकसान होना तय है। क्योंकि जो आज आपका मैनेजर है आपकी कंपनी छोड़ के कॉम्पिटिशन कंपनी को ज्वाइन कर ले और वहां पर सीईओ बन जाए। उद्धव जी के साथ भी तो यही हुआ है। बिजनेस लर्निंग नंबर 5, जब आपको लगता है सारे पत्ते आपके हाथ में, आपकी हाँ और ना पे ही बहुत सारी सिचुएशन निर्भर करती है, तो उस सिचुएशन को अपने एडवांटेज में काम में लेना सीखो। जैसा 2.5 साल पहले शरद पवार जी ने किया कि भैया ठीक है देखो ये भाजपा से तो लड़ाई हो चुकी है और इस भाई को बनना है सीएम, अब ये सीएम बनने के लिए कुछ भी करेंगे। तो इन्होंने हाथ तो मिलाया पर उस समय का ये डिपार्टमेंट मेरा, ये मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए, बहुत सारी ऐसी शर्तें मनवा ली जो वैसे नहीं मानते, मौके का फायदा उठा लिया। और 2.5 साल बाद अभी एकनाथ शिंदे जी ने भी ये किया कि जब लगा कि भैया देखो उद्धव जी की तो गई, अब भाजपा की बनेगी तब जब मैं साथ में आऊंगा, तो उन्होंने कहा भैया देखो सीएम बनाओ तो देखो, नहीं तो फिर देखी जाएगी। उस समय शरद पवार जी ने एडवांटेज लिया, अब की बार शिंदे जी ने एडवांटेज लिया। और यही ऐसा आपको अगर बिजनेस में ऐसा मौका आता है जब आपको लगता है आपके हाँ या ना कहने से ही वेंडर का काम होता है, कस्टमर का काम होता है, या कोई डील ऐसी अटकी पड़ी है जो आप ही सुधार सकते हो, तो वहां पे नेगोशिएट हार्ड। ये थी पूरे एपिसोड से होने वाली 5 लर्निंग जो आपको अच्छे मैनेजमेंट लेसन भी सिखाती है, बिजनेस लेसन भी सिखाती है। और इन चीजों को आपने ध्यान रखा तो आप एक अच्छे लीडर साबित हो पाएंगे, और नहीं रखा तो हाल आपको पता है कैसा होने वाला है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 5 लर्निंग में से कौन सी लर्निंग आपको बेस्ट लगी और कौन सी ऐसी लर्निंग है जो शायद मैं मिस कर गया, आपने इस एपिसोड से सीखी हो, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये भी बता दो, तो अगली वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।